और इस बीच एक बड़ी खबर है, आपको बता दें रूस के डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर अलेक्जेंडर फोमिन का बड़ा बयान सामने आ चुका है। यूक्रेन में नेटो भेजने वाला है सैनिक, अलेक्जेंडर फोमिन की तरफ से कहा गया यूक्रेन में सैनिक भेजकर समझौते के लिए दबाव की योजना है। कोरियन प्रायद्वीप में जंग शुरू करवाना चाहता है अमेरिका। और चीन में सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में फोमिन का ये बड़ा बयान सामने आया है। यानी मतलब साफ है, आने वाले दिनों में युद्ध और विध्वंसक हो सकता है। धमकी आ चुकी है पुतिन की, आने वाले दिनों में जंग का रुख अलग होगा और नेटो के साथ जंग भी हो सकती है सीधी रशिया की। आपको बता दें कि ईरान से रूस को बैलिस्टिक मिसाइलों के सप्लाई की खबर सैटेलाइट तस्वीरों से सही साबित हुई है। ईरान से रूस को करीब 200 मिसाइलें मिल गई हैं। ज़ेलेंस्की का दावा है कि रूस ने ईरान की मिसाइलों का कभी इस्तेमाल किया ही नहीं और अब भी कुर्स्क या कहीं भी ईरानी मिसाइलों से हमले नहीं हुए हैं। यूक्रेन को शक ये है कि पुतिन कीव मिशन के लिए मिसाइल जमा कर रहे हैं और कुछ दिनों में ही कीव पर कब्जे का मिशन शुरू किया जा सकता है। ईरानी मिसाइल सुखोई 57 फाइटर जेट का नया बैच, कई सुखोई 35S लड़ाकू विमान, क्या ये रूस के क्यू मिशन की तैयारी का सबसे बड़ा सबूत है? ईरान से मिसाइलों का रूस आना नई बात नहीं है, लेकिन सवाल ये कि आखिर रूस ईरानी मिसाइलों से हमले क्यों नहीं करता? नॉर्थ कोरियाई मिसाइल के मलबे कई बार यूक्रेन में मिले, ईरान की एक भी मिसाइल के सबूत अब तक नहीं मिले। ईरान की शॉर्ट रेंज मिसाइलों का रूस क्या करने वाला है? सैटेलाइट इमेज से इस दावे को मजबूती मिली है कि ईरान से रूस को मिसाइलों की सप्लाई हुई, लेकिन इसी दौर में अचानक वायुसेना को नए लड़ाकू विमान क्यों दिए गए? रूस वायुसेना को सुखोई 57 विमानों का नया बैच मिला है, सुखोई 35S का नया बैच भी वायुसेना को दिया गया है। रूस ने सुखोई 57 को अपग्रेड कर लिया है। SU-57 पांचवी पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। इस विमान से सभी प्रकार के हवाई और जमीनी लक्ष्यों को नष्ट किया जा सकता है। इस विमान से कमांड पोस्ट और दुश्मन के रडार को भस्म करने के लिए डिजाइन किया गया है। सोनिक स्पीड वाले इस विमान की तैनाती बढ़ाने का मकसद भी पुतिन का क्यू मिशन माना जा रहा है। वॉर एक्सपर्ट के मुताबिक बर्फबारी के बीच पुतिन क्यू मिशन शुरू कर सकते हैं। क्यू पर हवाई हमले में विमानों का इस्तेमाल होगा, मिसाइल और विमान से क्यू के एयर डिफेंस को मात देने की तैयारी। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान से रूस को फतह 360 और जुल्फिकार मिसाइलों की सप्लाई हुई। मिसाइलों को पहुंचे कई दिन हो चुके हैं, लेकिन कुर्स्क या किसी और जगह पर इसका इस्तेमाल अब तक नहीं किया गया। माना जा रहा है कि इसके पीछे रूस की खास रणनीति है। रूस कीव के एयर डिफेंस को खत्म करेगा, रूस सीमा के करीब फतह से हमले करेगा, क्योंकि फतह 360 मिसाइलों की रेंज 120 किलोमीटर। रूस ने ईरान के इन दो मिसाइलों को एक खास मकसद से हासिल किया है। पुतिन ने क्यू प्लान का जो ब्लूप्रिंट तैयार किया है, उसके तहत क्यू में भारी तबाही मचाने की तैयारी। रूस फिलहाल इस्कंदर मिसाइल का इस्तेमाल कर रहा है। इस्कंदर मिसाइल की रेंज 500 किलोमीटर है, लेकिन ईरान के जुल्फिकार मिसाइल की रेंज 700 किलोमीटर है। ईरान की मिसाइलों की रफ्तार बहुत तेज है, जबकि सुखोई 57 और सुखोई 35S को इंटरसेप्ट करना भी
मुश्किल होता है। जुल्फिकार बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट करना इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि यह हवा में दो टुकड़ों में बट जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक जुल्फिकार बैलिस्टिक मिसाइल में 590 किलो का वॉरहेड होता है और यह हवा में अपने बूस्टर से अलग हो जाता है। माना जा रहा है कि जुल्फिकार मिसाइलों से क्यू पर सीधा प्रहार होगा और रूस सुखोई 57 से भारी बमबारी करेगा। रूस की प्लानिंग की भनक नेटो को लग चुकी है और सर्द मौसम में यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर को बचाए रखने का मिशन भी शुरू हो गया है। यही वजह है कि अमेरिका, स्वीडन, इटली के अलावा कई देशों से यूक्रेन को एयर डिफेंस की सप्लाई होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।